हेलो गाइज, मेरा नाम विभोर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हुंडई वर्ना एस प्लस वेरिएंट के बारे में। ये इस गाड़ी का सेकंड बेस वेरिएंट है। आज की वीडियो में इसका फुल डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू करेंगे, जानेंगे इंटीरियर्स के, एक्सटीरियर्स के, सभी फीचर्स के बारे में, इंजन की स्पेसिफिकेशन। तो शुरुआत करते हैं गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल से। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह की आपको फ्रंट प्रोफाइल मिलती है हुंडई वर्ना एस प्लस वेरिएंट की। इस गाड़ी का सेकंड बेस वेरिएंट है। देख सकते हैं सामने की तरफ आपको ग्रिल मिलती है क्रोम ट्रीटमेंट के साथ, जो कि काफ़ी अच्छी यहाँ पर लगती है। डायमंड ये क्रोम ट्रीटमेंट के साथ ग्रिल मिलती है। अगर हेडलाइट की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको हेलोजन हेडलाइट देखने के लिए मिलती है। कोई भी प्रोजेक्टर नहीं है यहाँ पर, आपको इंडिकेटर का ऑप्शन मिल जाता है। इस वेरियंट के अंदर आपको कोई भी फोग लैंप नहीं मिलता है। हाउसिंग आपको मिलती है, आफ्टर मार्केट आप लगवा सकते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 165 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है हुंडई वर्ना के अंदर। वहीं अगर होंडा सिटी की बात करें तो उसके अंदर भी आपको सेम ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। अगर बात करें इस कार के इंजन स्पेसिफिकेशन की, तो आपको इस गाड़ी के अंदर 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसकी मैक्सिमम पावर है 113 bhp की और 144 nm का टॉर्क मिलता है। आपको इंजन वे के अंदर कोई भी इंसुलेशन वगैरह नहीं मिलती है, पावर काफ़ी अच्छी ये प्रोड्यूस कर देता है। तो ये तो वे इस गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल्स। अब चलते हैं गाड़ी की साइड प्रोफाइल में। तो इस तरह की आपको साइड प्रोफाइल देखने के लिए मिलती है हुंडई वर्ना एस प्लस वेरियंट की। तो काफ़ी लंबी गाड़ी ये है, सेडान सेगमेंट की ये गाड़ी है। कार के सभी डाइमेंशंस आपको डिस्प्ले पे देखने के लिए मिल रहे होंगे। मैं अगर इस गाड़ी के व्हील की बात करें तो ये आपको बिल्कुल देखने में अलॉय व्हील जैसे लग रहे होंगे, पर ये अलॉय व्हील नहीं है, ये आपको व्हील कैप है। इसके अंदर आपको स्टील व्हील देखने के लिए मिलता है। वहीं अगर इसके टायर साइज की बात करें तो सेम टू सेम आपको टॉप मॉडल वाला टायर साइज मिलता है। 16 इंच के व्हील है ये, स्टील व्हील। टॉप मॉडल के अंदर आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं 16 इंच के, पर इनकी लुक्स जो है वो भी अलॉय व्हील से कम यहाँ पर नहीं आ रही है। टायर साइज की बात करें 195/55 R16 का टायर यहाँ पर मिलता है। ब्रिजस्टोन का टायर मिलता है सेम टू सेम जो आपको टॉप मॉडल में मिलता है SX वेरिएंट के अंदर। वहीं अगर और फीचर्स की बात करें तो जो इसके ORVM में वो आपको बॉडी कलर मिलते हैं, जिन पे आपको टर्न इंडिकेटर भी देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको जो डोर हैंडल्स है वो भी आपको बॉडी कलर ही मिलते हैं, पर इन पे कोई भी आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर देखने के लिए नहीं मिलता है। रियर में भी आपको सेम ही मिलेगा, साइड में कोई भी क्लाइडिंग वगैरह यहाँ पर नहीं मिलती है। वहीं अगर इस गाड़ी के बैक प्रोफाइल की बात करें तो इस तरह की आपको बैक प्रोफाइल देखने के लिए मिलती है गाड़ी की। तो काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है वरना बैक प्रोफाइल से देखने पर। रूफ़ के फीचर्स की बात करें तो इस वेरिएंट के अंदर आपको सनरूफ नहीं मिलता है, पर यहाँ पर आपको शार्कपिन एंटीना मिल जाता है। बैक ग्लास में कोई भी डिफोगर नहीं है। यहाँ पर आपको हाइस्टो माउंट लाइट मिल जाती है इसके अंदर। यहाँ पर हुंडई की बैजिंग बूट के ऊपर, यहाँ पर आपको वर्ना की बैजिंग देखने के लिए मिल जाती है। तो ये है इस गाड़ी की काफ़ी बड़ी सी टेल लाइट, जो कि आपको LED प्लस हेलोजन यहाँ पर मिलती है। देख सकते हैं इस तरह का आपको यहाँ पर बम्पर पे 4 सेंसर्स मिलते हैं इस वेरिएंट के अंदर भी। और यहाँ पर आपको यह ब्लैक कलर का कुछ ये पार्ट दिया गया है। नीचे की तरफ आपको रिफ्लेक्टर्स देखने के लिए मिलते हैं, जिसकी सराउंडिंग में आपको क्रोम ट्रीटमेंट भी मिल जाता है। वहीं अगर इस वेरिएंट की ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करें तो ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको बिल्कुल सेम टू सेम वही मिलती है जो टॉप वेरिएंट्स के अंदर मिलती है। तो ये तो इस कार के एक्सटीरियर फीचर्स। अब चलते हैं कार के इंटीरियर में। तो गाड़ी तो लाजवाब लगती है देखने पर इस सेगमेंट में, इससे ऊपर कोई भी गाड़ी मुझे नहीं लगती है पर्सनली। मुझे पर्सनली भी हुंडई वर्ना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पसंद है। तो ये वाला इसका सेकंड बेस वेरिएंट है। अगर प्राइसिंग की बात करें तो ऑन रोड प्राइसिंग आपको समथिंग 11 लाख तक आपकी इसकी मिल जाती है। जो इसकी बिल्कुल करेक्ट प्राइसिंग है वो है 10,93,000 एक्स शोरूम नहीं, ऑन रोड प्राइस मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो ऑन रोड आपको ये 11 लाख के अंदर मिल जाती है। तो काफ़ी अच्छी ये गाड़ी है। अगर आपको एक सेडान सेगमेंट की गाड़ी लेनी है 11 लाख के अंदर, तो इससे ऊपर कोई भी आपको गाड़ी नहीं मिलेगी इस सेगमेंट के अंदर 11 लाख के अंदर। फिलहाल अभी चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर के अंदर। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस कार की। तो कुछ इस तरह की यहाँ पर आपको रिमोट की मिलती है फ्लिप की के साथ। देख सकते हैं दोनों ही आपको रिमोट कीज यहाँ पर मिलती है, लॉक अनलॉक, और यहाँ पर आपको बूट ओपन करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छे यहाँ पर फीचर्स दिए गए हैं। तो अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में। तो डोर की लुक आपको कुछ इस तरह की यहाँ पर मिलती है। ड्यूअल टोन में ही इंटीरियर मिलता है इस वेरिएंट का भी। यहाँ पर आपको फैब्रिक का यूज़ मिलेगा, इस जगह पर कोई भी आपको लेदर वगैरह का यूज़ नहीं है। अगर फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको चारों पावर विंडो के कंट्रोल ORVM को आप यहाँ से ऑटो एडजस्ट कर सकते हैं। डोर ओपनर आपको सिल्वर फिनिशिंग में मिलता है, जो कि काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। नीचे की तरफ आपको बोटर होल्डर का स्पेस मिल जाता है और यहाँ पर एक स्पीकर मिल जाता है। ट्विटर आपको इस वेरिएंट के अंदर नहीं मिलते हैं, सिर्फ आपको 4 स्पीकर्स मिलते हैं इस गाड़ी के अंदर। इंटीरियर की बात करें तो यहाँ पर आपको फ्रंट सीट्स में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। कोई भी ये लेदर सीट नहीं है, फैब्रिक की सीट्स यहाँ पर मिलती है। और जो यहाँ पर ये चीज़ देख सकते हैं काफ़ी प्रीमियम ये लगती है हुंडई की सीट्स की। थाई सपोर्ट वगैरह काफ़ी अच्छे हैं। और सीट के अंदर आपको कोई भी हाइट एडजस्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलते हैं। 6-way एडजस्ट सीट है, पर आपको हाइट एडजस्ट करने का ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिलता है।
ऑटोमेटिक ये वेरिएंट नहीं है, आपको ये मैनुअल वेरिएंट मिलता है। यहाँ पर आपको सिल्वर फिनिशिंग के साथ एसी वेंट्स मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको लाइट लेवल मिल जाता है और कोई भी यहाँ पर ट्रैक्शन वगैरह का फीचर्स नहीं मिलता है। बैठते हैं कार के अंदर और मैं दिखाता हूँ एक एक करके आपको इस गाड़ी के और सभी फीचर्स। यहाँ पर बात करें इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की तो देख सकते हैं राउंड शेप में आपको स्टीयरिंग व्हील मिलता है, कोई भी ये लेदर रैप्ड नहीं है। यहाँ पर लेफ्ट एंड साइड में आपको सभी म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको इस वेरिएंट के अंदर कोई भी क्रूज़ कंट्रोल नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको सिर्फ ट्रिप का ऑप्शन मिलता है, कोई भी क्रूज़ कंट्रोल नहीं है, पर आफ्टर मार्केट जाकर आप इजीली इस गाड़ी में क्रूज़ कंट्रोल लगवा पाएंगे। बात करें इस गाड़ी की MID की तो मैं आपको MID दिखा देता हूँ इस कार की, तो कुछ इस तरह की आपको एनालॉग MID मिलती है, कोई भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। बीच में यहाँ पर छोटी सी डिस्प्ले है जिसके अंदर आपको किलोमीटर या फ्यूल वगैरह ये दिखाती है। लेफ्ट हैंड साइड में RPM मीटर है, राइट हैंड साइड में स्पीडोमीटर है, उसके नीचे आपको फ्यूल का ऑप्शन देख सकते हैं आप, बिल्कुल एनालॉग देखने के लिए मिलता है इसके अंदर। लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहाँ पर इसके वाइपर के कंट्रोल्स मिलते हैं, राइट हैंड साइड में आपको यहाँ पर इंडिकेटर का ऑप्शन मिल जाता है। और गाड़ी की अगर म्यूजिक सिस्टम की बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी सी एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले के साथ यहाँ पर टच स्क्रीन मिलती है, जिसका साइज आपको 10 इंच देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आपको फिजिकल नोब्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे SX ऑप्शन वेरियंट के अंदर मिलते हैं। यहाँ पर आपको सिल्वर फिनिशिंग दी गई है इसी वेंट्स के सराउंडिंग में, तो काफ़ी ये प्रीमियम लगता है इस गाड़ी का इंफोटेनमेंट सिस्टम। यहाँ पर आपको मैनुअल AC गाड़ी के अंदर दिया गया है, कोई भी ऑटोमेटिक AC नहीं मिलता है इस कार के अंदर। यहाँ पर आपको नीचे की तरफ इसमें USB पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पर 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, यहाँ पर भी USB पोर्ट दिया गया है। यहाँ पर कोई भी इसके अंदर आपको वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलती है। गियर की बात करें तो आपको गाड़ी के अंदर 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपको ब्लैक कलर का गियर नोब मिलता है, सिल्वर फिनिशिंग का नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको 2 ग्लास होल्डर का स्पेस, यहाँ पर आपको हैंड ब्रेक मिल जाता है और जो यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट देखने के लिए मिल जाता है जिसके अंदर आपको स्पेस मिलता है, पर ये वाला आर्मरेस्ट आपको कोई भी एडजस्टेबल नहीं मिलता है, फिक्स्ड देखने के लिए मिलता है। डे नाइट रियरव्यू मिरर की बात करें तो आपको मैनुअल डे नाइट रियरव्यू मिरर मिलता है। यहाँ पर ड्राइवर साइड पर भी आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है, रूफ में यहाँ पर सनग्लास होल्डर मिल जाता है, यहाँ पर 2 येलो कलर की लाइट्स मिल जाती है और को पैसेंजर साइड पे भी आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है। ग्रैब हैंडल्स आपको यहाँ पर एडजस्टेबल देखने के लिए मिलते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया फीचर है। ग्लव बॉक्स की बात करें तो गाड़ी के अंदर आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स मिलता है, जो कि काफ़ी डिसेंट साइज के साथ यहाँ पर आता है। तो ये तो वे इस गाड़ी के इंटीरियर फीचर्स। अब चलते हैं गाड़ी की रियर सीट पर और देखते हैं रियर में आपको कितने फीचर्स मिलते हैं। तो देख सकते हैं रियर डोर आपको कुछ इस तरह का यहाँ पर मिलता है, जिसके अंदर आपको यहाँ पर फैब्रिक का यूज़ मिल जाता है। यहाँ पर आपको पावर विंडो का स्विच और यहाँ पर डोर आर्मरेस्ट पे कोई भी फैब्रिक का यूज़ नहीं है, सिल्वर फिनिशिंग में डोर ओपनर, यहाँ पर बोटर होल्डर का स्पेस और एक स्पीकर मिल जाता है। इस तरह का रियर केबिन देखने पर मिलता है। यहाँ पर सीट साइड में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलते हैं, फिक्स हेडरेस्ट मिलते हैं, तो बीच में यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट भी मिल जाता है। तो बैठते हैं फिलहाल कार के अंदर और मैं आपको चेक कराता हूँ इस गाड़ी का स्पेस। तो देख सकते हैं गाड़ी के अंदर आपको कितना ज़्यादा स्पेस मिलता है। ये सीट मैंने अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट यहाँ पर करी है, तो देख सकते हैं लेग रूम कितना ज़्यादा मिलता है, बहुत ही ज़्यादा लेग रूम है, इजीली आप यहाँ पर बैठ सकते हैं। और जो गाड़ी की थाई सपोर्ट वगैरह है वो भी काफ़ी अच्छी है, देख सकते हैं कितनी अच्छी थाई सपोर्ट मुझे यहाँ पर मिल रही है, तो सीट काफ़ी कम्फर्टेबल है गाड़ी की। इंटीरियर की बात करें तो रियर से आप इंटीरियर देख सकते हैं गाड़ी का कितना ज़्यादा प्रीमियम यहाँ पर लगता है बेस मॉडल होने के बाद भी। फिलहाल अभी बात करते हैं इस गाड़ी के रियर के और फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं सिल्वर फिनिशिंग के साथ, यहाँ पर नीचे की तरफ आपको USB पोर्ट मिल जाता है इसके अंदर, और जो इसका हम्प है बीच में वो काफ़ी कम है, 3 बंदे इजीली यहाँ पर बैठ सकते हैं। मैं आपको बैठ के भी दिखाता हूँ, तो 3 बंदे यहाँ पर इजीली आराम से बैठ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। स्पेस वगैरह काफ़ी अच्छा दिया गया है। यहाँ पर आपको एडजस्टेबल ग्रैब हैंडल्स देखने के लिए मिलते हैं, रूफ़ के अंदर यहाँ पर एक येलो कलर की लाइट दी गई। तो मैं आपको दिखाता हूँ इस गाड़ी का बूट स्पेस, तो बूट को अगर ओपन करना है आपको तो अपनी की से आप इस गाड़ी के बूट को ओपन कर सकते हैं, तो कि इस तरह से आप प्रेस करेंगे तो आपको अपनी गाड़ी का बूट स्पेस ओपन कर पाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पर आपको कितना बड़ा साइज़ देखने के लिए मिलता है इस गाड़ी के बूट का, डिस्प्ले पर आपको दिख रहा होगा कितना बड़ा बूट स्पेस आपको गाड़ी के अंदर मिलता है। यहाँ पर आपको येलो कलर की बूट लाइट मिल जाती है और स्पेस देख सकते हैं कितना ज़्यादा है। इसके नीचे आपको यहाँ पर स्पेयर टायर देखने के लिए मिल जाता है, जिसका साइज मैं आपको चेकआउट करा देता हूँ, 185/65R15। इसमें 1 इंच छोटा आपको स्टील व्हील यहाँ पर मिलता है। वैसे इस गाड़ी में सभी चारों ही स्टील व्हील्स है और यहाँ पर आपको इस वेरिएंट के अंदर कोई भी कैमरा वगैरह भी नहीं मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बात करी है Hyundai Verna S+ वेरिएंट के सभी फीचर्स के बारे में, सभी डिटेल्स के बारे में। अगर आपको इसके टॉप एंड वेरिएंट SX ऑप्शन वेरिएंट की वीडियो देखनी तो वो भी चैनल पर अपलोड है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लें, जिससे आपको सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।